हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। अभी हम फिजिकल के प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, उसमें हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है पोलैरिटी मीटर। तो आज हम पोलैरिटी मीटर को डिस्कस करेंगे। पोलैरिटी ट्यूब में। यहाँ एक होता है एनालाइजर,
ये पूरी की पूरी जो अरेंजमेंट है, ये है मेरा पोलैरिमीटर। ये पोलैरिमीटर के अंदर की अरेंजमेंट है। इसके अंदर दो प्रिज्म होते हैं, ये हमने अपनी थ्योरी में भी पढ़ा है। पहला प्रिज्म और दूसरा प्रिज्म निकोल के प्रिज्म है। पहले ने क्या करना है, इस लाइट को यहां से क्या कर देना है, फ्रेम पोलराइज। इस लैंप से ऐसी लाइट आई, जब वो इसके पास हुई तो ये इस तरह से फ्रेम पोलराइज होगी, तो ये क्या होगा, पोलराइज। यहां पर मैंने रखना है ट्यूब के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। मैंने कौन सा सब्सटेंस लेना है प्रैक्टिकल में, सुक्रोज। तो मुझे यहाँ सुक्रोज का सोल्यूशन रखना है। इसने क्या करना है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस ने टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट क्या कर देना, राइट को रोटेट कर, जैसे राइट में रोटेट हुई ऐसे ही लेफ्ट में भी रोटेट हो सकती है, इस तरह से एक्सिस के ऐसे ना, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, तो वो हमें नोट करें कितने एंगल से रोटेट हुई, वही मेरा क्या एंगल ऑफ रोटेशन। वो चेक कैसे करेंगे, इससे, इससे चेक किया तो ये क्या है, एनालाइजर। अब इस एनालाइजर को चेक करने के लिए इसके ऊपर एक रोटेशन वाला स्केल होता है, जिस स्केल की मैंने रीडिंग्स यहाँ पे पढ़ने बताई ना, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, वो ये स्केल है जिसके ऊपर लगा होगा। इस स्केल को हम जैसे जैसे रोटेट करेंगे हमारा एनालाइजर रोटेट होगा, और कुछ रोटेट नहीं होगा, सिर्फ एनालाइजर रोटेट होगा। एक बार का एनालाइजर इसके पैदल होगा, इस एक्सिस के पैदल, जैसे पैदल होगा तो मुझे क्या दिखेगी, लाइट यानी कि ब्राइटनेस। फिर जब मैं इसे रोटेट करना शुरू करूंगी, रोटेट करना शुरू किया तो एक बार इसके ऊपर पेंडिकुलर आ गया, ऊपर पेंडिकुलर आया तो डार्कनेस। तो जैसे जैसे रोटेट करेंगे हमें डार्कनेस दिखाई देने लगेगी, तो पूरा 180 का जब ये रोटेशन कर लेगा ये वापिस इसके पैदल आएगा, ठीक है, ऐसे है ना। तो पूरा ये ऐसे मान लो, फिर इसके पूरी 180 की रोटेशन हो तभी ऐसे आएगा, तो पूरा डिफरेंस दोनों रीडिंग्स में कितना आएगा, 180 का डिफरेंस आएगा, क्लियर। तो इस तरह से हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पोलैरिमीटर में अपनी रीडिंग पढ़ेंगे। तो मुझे यहां से क्या निकालना है, स्पेसिफिक रोटेशन। अब बात करते हैं अपने टेबल की, तो मैंने यहां लिया सीरियल नंबर, कंसंट्रेशन, यहाँ कंसंट्रेशन, यहाँ पर हम अलग अलग कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाएंगे, 20%, 15%, 10%, 5% इस तरह से। रीडिंग है मैंने पढ़ा ना, दो रीडिंग पढ़नी है, 180 का डिफरेंस आएगा, तो वो दो रीडिंग्स हम यहाँ पढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे, वो मैं भी बताती हूँ किस तरह से। पहले बात करते हैं इन सोल्यूशन की, ये कैसे बनाएंगे। तो मुझे चार सोल्यूशन बनाने, 20%, 15%, 10% एंड 5%, मुझे इन चार सोल्यूशन को प्रिपेयर करना, ठीक है। 20% के लिए आप क्या लोगे, 20 ग्राम शुगर लोगे, यानी हमारा जो सुक्रोज है आप 20 ग्राम लोगे, और उसकी वॉल्यूम को क्या कर दोगे, 100 ml। सबसे पहले आप 20 ग्राम लोगे, इसे थोड़े से वाटर में डाल के डिसॉल्व करोगे, बीकर, जैसे हमने पीएच के सोल्यूशन बनाया था बिल्कुल वैसे, सॉलिड है, थोड़े से बीकर में डाल के डिसॉल्व कर लिया। डिजोल्व करने के बाद इसमें किसे ट्रांसफर करना है, मेजरिंग फ्लास्क में, फ्लास्क में ट्रांसफर करने के बाद इसकी वॉल्यूम कितना बना देना, 100 ml, ठीक है। तो 20 ग्राम शुगर लेके उसकी वॉल्यूम कितनी बनानी है, 100 ml बाय एडिंग डिस्टिल्ड वाटर। तो मेरे पास ये सोल्यूशन बन गया इसका 20%, ठीक है। अब आपने इसी 20% के सोल्यूशन को यूज कर लें और डिस्टिल्ड वाटर को यूज करके सोल्यूशन बना, ठीक है। तो आप एक बार ये अलग अलग वैल्यूज पर लोगे, ठीक है, और उसी में कॉरेस्पॉन्डिंग अपनी वैल्यूज को डालोगे और हमारे पास इसका सोल्यूशन बना देंगे, हमारा शुगर का 15%, 10% एंड 5%। हमारे पास यहाँ पे क्या लेंगे, हम ये तीनों सोल्यूशन बनाने के लिए जो ऊपर सोल्यूशन प्रिपेयर किया उसका कुछ पार्ट यूज करेंगे, जैसे इसका 30 ml हम यहाँ यूज करेंगे, 20 ml, 10 ml, ऊपर का 30 ml ले लो, 20 ml ले लो, 10 ml ले लो। इसमें आप डालोगे वॉटर कितना, 10, 20, 30, तो इतने ml डिस्टिल्ड वाटर डालो, जो सोल्यूशन बनता जा रहा है उतना क्या होगा, 15%, 10% एंड 5%। तो आपके पास चार सोल्यूशन प्रिपेयर हो गए, 20% का, 15 का, 10 का, 5% का, ठीक। तो अपने टेबल में सबसे पहले जो रीडिंग होगी वो होगी डिस्टिल्ड वाटर की, फिर होगी 20% की यानी 0.20 कंसेंट्रेशन की, फिर 15 की, फिर 10 की और फिर 5 की। आपने रीडिंग्स को यहां पे लिया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे सोल्यूशन बन के इस
पोलैरोमीटर की ट्यूब को निकालेंगे, ठीक है। ट्यूब निकालने के बाद उसके अंदर सबसे पहले क्या डालेंगे, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर को फिल करो, सोल्यूशन बन गए चारों, तो सबको लेबल करके रख लो पांचों सोल्यूशन को, डिस्टिल्ड वाटर और 20, 10 और 15 और 5% के सोल्यूशन को। सबसे पहले लो डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर रखा, लैंप ले रहा हूं मैं, लाइट आई। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, कुछ कलर दिखेगा। अब आपको नोट कैसे करना है, अब यहाँ पे आई पीस है तो कुछ सर्कल दिखेगा इस तरह से। सबसे पहले आपको जिस पॉइंट पे फुल ब्राइटनेस दिख रही है आपने वो रीडिंग नोट करें। यहाँ क्या फुल ब्राइटनेस, इसे मैंने ए नाम लिया। इस रीडिंग को मैंने यहाँ फिल कर दिया, मैंने अभी डिस्टिल्ड वाटर रखा और मैंने जो रीडिंग आई उसे यहाँ नोट करना चाहिए। पढ़ना कैसे है, इस स्केल के जो मेन स्केल पे रीडिंग आएगी उससे वन से मल्टीप्लाई करो, प्लस जो वर्नियर स्केल पे प्लस को साइडिंग रीडिंग होगी उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उसे सोल्व करती है। तो ये मेरा एक है। फिर मैं क्या करूंगी, इसे रोटेट करना शुरू करूंगी। जैसे मैं रोटेट करूंगी तो मुझे एक साइड डार्क होती दिखनी देगी, ये इसके पैरल से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक साइड डार्क होगी, छोड़ दो। फिर ब्राइटनेस भी दिख सकती है, डार्कनेस भी दिख सकती है, छोड़ दो। फिर दूसरी साइड डार्क दिखेगी उसे भी छोड़ दो। जब ये हो जाए इसके बाद जो रीडिंग आएगी फुल ब्राइटनेस के लिए उसे देना है बी का नाम। इसके ए और बी का जो डिफरेंस होगा बी माइनस ए कर दो। ये मेरे पास नियरली 180 डिग्री का है, मैंने कहा ना प्लेन ऐसे है तो पूरी रोटेशन धीरे धीरे धीरे, कहीं पे कुछ लाइट दिखेगी कहीं नहीं दिखेगी, तो बिल्कुल 180 की रोटेशन ऐसे हुई। उस टाइम पर हमारे पास फिर से क्या दिखी, फुल ब्राइटनेस, जिसे मैंने नोट कर लिया। दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 180, यहां से मुझे पता लगा मेरी रीडिंग सही आ रही है, ठीक है। तो ये किसकी रीडिंग आ गई, डिस्टिल्ड वाटर बी, डिस्टिल्ड वाटर की ए बी रीडिंग को फिल कर लिया, ठीक है। ये हो गया डिस्टिल्ड वाटर। अब पढ़ना बिल्कुल ऐसे ही है, फुल ब्राइटनेस और लास्ट वाली फुल ब्राइटनेस, इन दो रीडिंग्स को आपने नोट करना है अपने स्केल पे। ये तो थी डिस्टिल्ड वाटर, डन। अब डिस्टिल्ड वाटर का सब काम हो गया, अब अपनी ट्यूब में निकालो डिस्टिल्ड वाटर को निकालो। पर निकालने से पहले क्या काम करना है, अपने ये जो स्केल है अभी आपकी रीडिंग कितने पे, बी पे, आपके स्केल बी पे, आपने उसे वापस ए पे लाना है, हमेशा उसे ए पॉइंट पे ही छोड़ना है। ट्यूब निकालने से पहले उसे ए पॉइंट पे छोड़ दो, ठीक है। जीरो पे नहीं छोड़ना, ये ए पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है, 60 पे भी आ सकता है, 10 पे भी आ सकता है, 1 पे भी आ सकता है, जीरो पे भी आ सकता है, पर ऐसा नहीं कि आपने जीरो पे छोड़ना है, आपने इसे ए पॉइंट पे ही छोड़ना है हमेशा। ए पॉइंट पे छोड़ा, ट्यूब निकाली, ट्यूब में आप क्या डाल दिया, 20% का जो सोल्यूशन बनाया उसे डाल दिया, ठीक है। 20% सोल्यूशन डालने के बाद ए पॉइंट से ही आगे रोटेट करो, जिस पॉइंट पे फुल ब्राइटनेस दिखेगी उस रीडिंग को यहां पर। ठीक है, फिर रोटेट करते जाओ, हाफ डार्क छोड़ दो, फिर ब्राइट छोड़ दो, फिर हाफ डार्क छोड़ दो, फिर जो ब्राइटनेस आई उसको नोट करो। लेट दैट रीडिंग इज सी डी, ठीक है। ये डिस्टिल्ड वाटर की आ गई और ये सोल्यूशन की आ गई, डन, पुट कर लिए। सेम ऐसे आगे अभी काम करना, यहां पे क्या करना है, सी माइनस सी, यहां की जो भी रीडिंग आ रही है उसे हमेशा डिस्टिल्ड वाटर से माइनस करो, क्योंकि मैंने कहा छोड़ा डिस्टिल्ड वाटर में छोड़ा ना हमेशा, तो उससे माइनस करके चलो, डी माइनस बी, दिस डी माइनस बी। अगली जो भी रीडिंग आई ब्लैक, अगले भी रीडिंग आई ई और एफ, तो यहां पे रहेगा ई माइनस ए, एफ माइनस बी, हमेशा पिछले वाले से माइनस करके चलो, डन, क्लियर। यहाँ पे मेरे पास कुछ डिग्रीज आती रहेगी, डिग्रीज मतलब एंगल आ रहे हैं, यहाँ जो वैल्यू आएगी इनका यहाँ पे मीन ले लो, ये जो सी माइनस ए और डी माइनस बी इनका मीन यहाँ पे ले लिया, डन। फिर मैंने देखो थीटा बाय सी किया, जो एंगल आया उसको उसकी कंसंट्रेशन से यही डिवाइड कर, कंसंट्रेशन से डिवाइड करने के बाद ये रीडिंग आ जाए। अब इस तरह से कहता क्योंकि चार सोल्यूशन है तो चार थीटा बाय सी आएंगे, 1, 2, 3 और 4, तो अब आप क्या करोगे, मीन लोगे किसका, थीटा बाय सी, थीटा बाय सी का मीन ले लो, यहां पे रीडिंग आ गई, डन। ये तो हो गया मैंने जो रीडिंग्स पढ़नी थी वो। अब अपनी ट्यूब को निकालो, ट्यूब को स्केल की हेल्प से मेजर कर लो कितनी लेंथ है, लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में आएगी, आपने यूज कितने करने हैं, डेसीमीटर,
जो अभी रीडिंग आई उसको बाय टाइम कर दो, तो आपके पास आज का लेसन मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूला। ये मेरे पास स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला किसके बराबर है, एंगल ऑफ रोटेशन यानी थीटा बाय कंसेंट्रेशन इनटू लेंथ। अब देखो थीटा बाय सी तो मैं निकाल चुकी हूँ ना, तो मुझे ये जो मीन थीटा बाय सी है मुझे ये यूज करनी है। ठीक है, ये जो मीन थीटा बाय सी है तो मैंने ये वैल्यू पुट करनी है, तो मेरी टेबल से आ गई। लेंथ मैंने निकाली यहां रखो, टेन से डिवाइड करने के बाद, और जो रीडिंग आएगी वो मेरी किसकी वैल्यू हो जाएगी, स्पेसिफिक रोटेशन की। और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ गिवन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इज दिस, जो भी आपके पास आ डिग्री। क्लियर, तो ये था मेरा पूरा प्रैक्टिस का पोलैरिमीटर का, जिसमें हमारे पास फुल अरेंजमेंट है। जस्ट आपको चार सोल्यूशन बनाने, 20% सुक्रोज, 10, 15 और 5%। ठीक है, एक सोल्यूशन बनाओगे उसकी हेल्प से हमने बाकी सोल्यूशन प्रिपेयर करने। वन बाय वन इसमें रखो, ये वाले एक पैटर्न है इसे फॉलो करो, हर बार पहली और लास्ट रीडिंग जिनमें वाले टी का डिफरेंस है उसे नोट करो, टेबल में फिल करो, कैलकुलेशन करो, थीटा बाय सी निकालो इसमें पुट करो, ट्यूब जो निकाल खाली ट्यूब है इसे निकालो, उसकी लेंथ को नोट करो, उसे यहाँ पे नोट करो। इसे पुट करने के बाद हमारी क्या थी स्पेसिफिक रोटेशन, और यही हमारा मेजर काम था किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक रोटेशन को फाइंड आउट करना। क्लियर, तो ये मेरा नेक्स्ट सिक्स प्रैक्टिकल था जिसका पोलैरिमीटर था, फिजिकल का नेक्स्ट प्रैक्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि किस तरह से हम पोलैरिमीटर का परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर, थैंक यू एवरीवन।